अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल जर्दा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो हमने बासमती चावल लेना है, 1/2 किलो शक्कर लेंगे, 1 पाइनएप्पल लेंगे इसे पीसेस में काट लेना है, 1/2 किलो मावा लेना है, 4 लौंग लेंगे और 4 इलायची लेंगे, लेमन येलो फूड कलर लेना है, बादाम लेंगे, चारोली लेंगे, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, 1/3 कप घी लेना है। ब्लेंडर जार में हमने 1/2 पाइनएप्पल के पीसेस डालना है और इसका एक पेस्ट बना लेंगे और 1/2 पाइनएप्पल को हम साइड में रख लेंगे। पानी को उबलने के लिए रख देना है, इसमें लेमन येलो फूड कलर डालेंगे, लौंग और इलायची डालना है। बासमती चावल को हमने 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था, ये चावल को इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। चावल को हमने 100% तक इसे कुक कर लेना है, इसे छान लेंगे हम, कनी नहीं रखना है चावल में, आपको इसका ध्यान देना है। तेल को 1/2 क्वांटिटी का घी लेंगे, इसे गर्म करके ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए, इसे साइड में निकालेंगे ड्राई फ्रूट्स को। इसमें शक्कर डालेंगे, 1/3 कप पानी डालना है, पाइनएप्पल के पीसेस डालेंगे, पाइनएप्पल पेस्ट डाल लें इसके अंदर, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जब शक्कर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा तब इसकी तरह हम मावा डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जिसे हमने उबाल के रखा था, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मिक्स कर लें इसे, बचा हुआ घी डालना है इसमें, इसे मिक्स करेंगे, इसे कवर करके हम दम पे रखेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें, पाइनएप्पल जर्दा तैयार है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप हमने रोस्टेड थिक सेवई लेना है, बारीक सेवई नहीं लेंगे, 1/3 कप शक्कर लेना है, 1 टेबलस्पून घी लेंगे, 1 टेबलस्पून चारोली लिया है हमने, इसे सोक करके रख लिया था 10 मिनट के लिए, पिस्ता लेंगे और काजू लेके हमने चॉप कर लिया था, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, 1 पिंच कार्डमम पाउडर लेंगे, इलायची पाउडर लेंगे और 1/2 लीटर हमने दूध को उबाल के रख लिया था साइड में। पैन में घी डालेंगे, घी गर्म होने के बाद में चारोली और काजू डालेंगे, उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें ड्राई फ्रूट को। इसके अंदर रोस्टेड सेवई डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। इसके बाद इसमें दूध डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर ले और कंटिन्यूसली हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आ जाए। इलायची पाउडर डालेंगे इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहना है जब तक दूध के अंदर उबाल ना आ जाए। दूध में उबाल आ गया है देखिए, और दूध थिक होने लगा है, सेवई भी अच्छी तरह से पक चुकी है और फूल गई है। जब सेवई फूल जाएगी इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 से 8 मिनट के बाद गैस को बंद कर लें, इसे डिश आउट कर लेंगे खीर को, पिस्ते के साथ में गार्निश कर लें। हमें चाहिए 2 कप दूध लेंगे और 2 कप पानी लिया है हमें, दोनों को मिक्स करके रख लिया है। 1/2 कप शक्कर लेना है, 100 ग्राम मावा लेंगे, 20 किशमिश लेना है, 30 काजू लिए हैं हमने, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर लेंगे, 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। पहले हम ब्रेड को स्लाइसेस में पीसेस में काट लेंगे,
काजू को हमने घी में फ्राई कर लिया था, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है आपको, उसका ध्यान देना है। किशमिश को भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, इसे साइड में रख लेंगे। घी में हमने ब्रेड के स्लाइसेस को भी फ्राई कर लिया था, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे। पैन में 1/2 कप हमने पानी डाल लिया था, जितना शक्कर लेंगे उतना पानी लेना है आपको, इसका ध्यान देना है आपको। 1/2 कप पानी में 1/2 कप शक्कर डाल लिया है हमने, ऐसे शक्कर पिघलने तक इसे पका लेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से शक्कर पिघल चुकी है अभी, इसके अंदर हम ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए देंगे। दूध डालेंगे इसके अंदर, दूध और पानी मिक्स करके रखा था हमने। दस मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए रखेंगे, इसके बाद इसमें मावा डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। काजू और किशमिश डालेंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था, मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप दूध हमने और डाल लिया था इसके अंदर और इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 1/4 कप घी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे गरम गरम सर्व करेंगे। हमने इसे गार्निश कर लिया था काजू के साथ में। इसके लिए हमें चाहिए 1 ब्रेड का पैकेट लेंगे, 1 लीटर फुल फैट मिल्क लेना है, 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर, 1/2 टीस्पून वैनिला पाउडर, वैनिला पाउडर ऑप्शनल है, 1/2 कप मिल्क पाउडर लेना है, 6 टेबलस्पून शक्कर लेंगे। ब्रेड को पहले हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से काट लेंगे, इस तरह के हम पूरे ब्रेड स्लाइसेस को ट्रायंगल शेप में काट लेना है और इसे हम हवा में सूखने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप करने से ब्रेड ज्यादा ऑयल नहीं सोक करेगा फ्राई करते वक्त। पैन में दूध डालेंगे, इलायची पाउडर डालें इसमें, मिल्क पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। दूध में पहले हम उबाल आने देंगे, इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। जब दूध 1/2 क्वांटिटी का हो जाएगा तब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह से पकने दें इसे। 10 से 15 मिनट और पकाने के बाद में रबड़ी तैयार है। ब्रेड अच्छी तरह से सूख चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को गरम कर ले और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन तक हमें इसे फ्राई करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको, उसको ध्यान देना है। ब्रेड को हमने सुखा लिया था, इसकी वजह से देखिए इतना तेल बच गया है, ज्यादा तेल सोक नहीं किया है ब्रेड ने। अब हम इसे ब्रेड के स्लाइसेस को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद आप ब्रेड के स्लाइसेस को असेंबल कर ले इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से रबड़ी डालेंगे। देखिए रबड़ी की कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे पिस्ते और बादाम के साथ में। शाही टुकड़ा तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।